शरीर को स्वस्थ रहने के लिए अक्सर लोग जिम जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, और जिम इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जिम के जो ट्रेनर है संदीप, और मिस्टर दिल्ली भी रह चुके हैं। संदीप, जिस तरीके से जिम करते हैं तो कैसे हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। जिम हमें स्टार्टिंग पीरियड से ही कम से कम मतलब आधे से पौने घंटे करनी चाहिए, और स्टार्टिंग हमें कम से कम 15 से 16 साल के बाद में जिम स्टार्ट कर देनी चाहिए। पर उससे पहले हमें व्यायाम, योगा और रनिंग, जंपिंग, ये स्टार्टिंग 3-4 साल के बाद में कर देनी चाहिए। अक्सर लोग ये रहता है कि जिस तरीके से जिम में हम शुरुआत करते हैं कि कितनी उम्र में हमें जिम की शुरुआत करनी चाहिए, कितनी उम्र से स्टार्ट करनी चाहिए हमें जिम? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। स्टार्टिंग पीरियड है जो हमारा जिम का है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 16 साल के बाद में स्टार्ट होता है। लेकिन उससे पहले क्या है कि हमें 4 या 5 साल के बाद में बच्चे को, लड़का हो या लड़की, उसे जंपिंग, रनिंग, व्यायाम, योगा, ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी ऊर्जाजनक रहेगी और फिट भी रहेगी, कोई परेशानी नहीं होगी बॉडी में। संदीप, एक और सवाल हमारा, जिस तरीके से हम जिम करते हैं कि सुबह करें या शाम करें, अक्सर लोग को जानकारी नहीं रहती। नहीं, ये ऐसा है कि हम जैसे आज का जो हमारा बिजी शेड्यूल है उस हिसाब से देखा जाए तो हम बताएंगे आपको कि एक्सरसाइज हमें मॉर्निंग में ही करनी चाहिए। लाभदायक तो हमारे लिए एक्सरसाइज मॉर्निंग की है, बट उसमें क्या है कि एक्सरसाइज हमें अपने टाइम के हिसाब से कर लेनी चाहिए। जैसे मॉर्निंग में टाइम ना मिल पाए तो उसके बाद में हमें फिर इवनिंग में भी कर लेनी चाहिए। हाँ जी, तो ज़्यादा बेहतर इवनिंग में, ज़्यादा मॉर्निंग में है, मॉर्निंग में, हाँ। पर लेकिन टाइम के बिजी शेड्यूल के हिसाब से हमें इवनिंग में भी कर लेनी चाहिए। तो एक्सरसाइज करते हैं हम, अब क्या हमें डाइटिंग होनी चाहिए सबसे पहले, और कितनी हमें माननी चाहिए एक्सरसाइज शुरू में अगर करते हैं? एक्सरसाइज से पहले हमें अपने मॉर्निंग में अगर करें या इवनिंग में करें तो उससे पहले हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, ड्राई फ्रूट खाने चाहिए, और अपना दलिया है, ओट्स है, ये सारी चीज़ें हमें हेल्दी और फिट रखती हैं। और एक्सरसाइज का टाइमिंग कम से कम आधे से पौने घंटे तो होना ही चाहिए। तो कौन सी बीमारी भी सही हो सकती है एक्सरसाइज करने से, कितने फिटनेस हम रह सकते हैं? एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी वैसे तो नेचुरली फिट रहेगी, और ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, गठिया बाय है, और बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनसे हम बिल्कुल मुक्त रहेंगे। और हमारी एक्सरसाइज सुबह मॉर्निंग में करने से बॉडी फिट भी रहेगी और एनर्जेटिक रहेगी। तो आप भी लगातार आपने भी करी है, अब कई अवार्ड भी आपने जीत लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं मिस्टर दिल्ली रह चुका हूँ, और एक्सरसाइज हमें कंटिन्यू ही करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी एकदम फिट रहती है। तो शुरू में कितने घंटे हमें करनी चाहिए या कितनी मात्रा, कितनी रेंज, टाइमिंग क्या रहती है उसकी? हमारे स्टार्टिंग पीरियड से ही एक्सरसाइज कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो आधे से पौने घंटे स्टार्ट से करनी चाहिए। उस हिसाब के बाद में जैसे हमारी बॉडी एवरेज आ जाती है, फिर आधे घंटे करो या एक घंटे करो, पर लेकिन ये कि कंटिन्यू करनी चाहिए एक्सरसाइज। हाँ जी, तो बिल्कुल। ये थे संदीप, जिन्हें लगातार लोगों को बता रहे हैं और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि हमें किस तरह से हमें जिम हमें करनी चाहिए, और आपको भी लगातार जानकारी भी दी है कि कैसे हमें जिम करनी चाहिए और कितने उम्र में हमें जिम करनी चाहिए, कितना फ़ायदा हमारे स्वास्थ्य को रहेगा जिम करने से। जितेंद्र बेनीवाल, लोकल 18, फरीदाबाद।